गंदी पॉलिटिक्स। प्यारे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। ये कुकड़ नहीं चलेगा, ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी नहीं चलेगी, ये मुनीर का कुकड़ नहीं चलेगा। आज निगरान हुकूमत के पहले दिन ही हुकूमत ने बड़ा झटका आवाम को लगा दिया है। पेट्रोल 17.50 रुपए महंगा और डीजल 20 रुपए लीटर महंगा कर दिया है। आवाम की पहले ही चीखें निकली हुई है। इनकी स्ट्रेटजी ये है कि सामने फ्रंट पे इस कुकड़ को रखें और उसको लड़ाएं और खुद ये पीछे बैठ के तमाशा देखें। जैसा कि घोड़े को चाबक हाथ में पकड़ कर दौड़ाया जाता है, जब मर्जी रोक लिया, जिधर मर्जी मोड़ लिया। इनका मकसद है कि चाबक इनके हाथ में और अपनी मर्जी से हुकूमत चलाएं। जो ये मईशत की बहाली का दावा कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं, मईशत संभालना बड़ों बड़ों का काम है। इनका काम बॉर्डर के आगे रदों की हिफाजत करना है। आसम मुनीर साहब, आप एक बात ये बताएं, आपने हलफ किस चीज का लिया है? ने कौम की हिफाजत का हलफ लिया है, इस वतन की सरहदों की हिफाजत का हलफ लिया है, ना कि सियासत में दखल अंदाजी का हलफ आपने लिया है। आप आइन को तोड़ रहे हैं, आप ने आवाम को भेड़ पकड़ी समझ रखा है, आपने आइन को पमाल किया है। उस शख्स का क्या कसूर था जिस पे आपने इतने सितम ढाए हुए हैं? एक लीजेंड को एक डेथ सेल में आपने बंद कर दिया झूठे मुकदमे में, कि आपकी जान छूट जाएगी है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक ईमानदार शख्स को, क्योंकि आप करप्ट हैं और आप रेकोडेट में और इन सारी करप्शन में आप बराबर के शरीक हैं। पीडीएम की हुकूमत जो 16 महीने रही, उसमें जो करप्शन होती है उसमें आप बराबर के शरीक होते हैं। आपका मकसद यही है कि हमारा कोई हाथ ना रोके, हमारे काम में कोई दखल अंदाजी ना दे। वो एक दिलेर शख्स आया जिस जो करप्शन के खिलाफ है। बाकी ये सब पीडीएम की जमातें, ये सब कठपुतलियां जो आपके इशारों पे नाचते हैं। आपका बयानिया नहीं चल सकता, ना आप इसमें कामयाब होंगे। पाकिस्तान के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप क्या कैसे हैंडल करेंगे? ना यहाँ पानी की सहूलतें हैं, ना बिजली है। महंगाई इस कदर पहुंच चुकी है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। मुफ्तियों से वो सवाल करते हैं कि क्या भूख की वजह से खुदकशी की जा सकती है? शर्म से डूब मरना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस मकाम पर लाकर पाकिस्तान को खड़ा किया है। आप जैसे जर्नलों ने हर चीज पर कातलाना हमला किया है और आप मायूसी और खौफ फैला रहे हैं ताकि आपके साथ कोई बोल ना सके, आपसे कोई सवाल करने की जरूरत भी ना कर सके। ये आपकी सियासी क्या हिकमत अमली है? आपने पुलिस गपड़ी पुलिस पंजाब पुलिस को खुली छुट्टी दे दी है, ये आपकी कारकर्दगी है? ये पुलिस उस्मान डार की मां से जाकर कह रहे थे कि हम तुम्हें रेप करेंगे, शर्म से डूब मरना चाहिए। और आपने पुलिस को इख्तियार दे दिया है कि जो मर्जी चीज लूट लो, जो मर्जी डाका मार लो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। आपने बच्चियों के शादी के जहेजों को लुटवाया है पुलिस के जरिए, पुलिस उनका जहेज लूट कर चली गई है। ये आप कौम के मुहाफ़िज़ हैं? आप उसी अवाम पे जुल्म कर रहे हैं जिसके टैक्स से आपकी रोटी आपका चलता है, बल्कि आप तो अरबों रुपया की करप्शन करके अवाम का खून चूस कर आप जो है ना ये याशियां मारते हैं। ये आपकी सियासी हिकमत अमली नहीं है, ये बर्बादी के रास्ते हैं, ये बर्बादी के तरीके हैं। जो आप बोल रहे हैं वो आपने काटना है। आप इस वक्त इक्तदार के नशे में मस्त हैं, लेकिन जब ये इक्तदार चला जाएगा तो आपको उल्टा लटका दिया जाएगा, यहां भी और अगले जहान भी। यहां भी आवाम आपको नहीं छोड़ेंगे।
आप ही में से ही कोई ऐसा बंदा ईमानदार उठेगा जो आपको नीस्तो नबूद कर देगा, कितना एक जुल्म कर लेंगे। आखिर अखीर तो है ना, फिरौन की भी अखीर हुई है, चंगेज खान की भी हुई है। आप चंगेज खान से भी आगे निकल गए हैं। आपने चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया है, आपके आशीर्वाद से सारा कुछ होता रहा और आप देखते रहे सिर्फ अवाम में खौफ फैलाने के लिए, ताकि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। आपने पाक आर्मी के वकार को भी तबाह करके रख दिया। आपसे कौन मोहब्बत करेगा? ऊंट से मोहब्बत करते हैं जो बॉर्डर पे खड़ा है, उससे मोहब्बत करते हैं। आप इन अय्याश जर्नलों से हम मोहब्बत नहीं करते, ये हम आवाम सारी नफरत करती है। ये जुल्म की एक अखीर होती है और थोड़ी अखीर बड़ी भैड़ी होनी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाजवा जलील हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा आप भी होंगे। आपने जो तमाशे कर लिए वो कर लिए, अब आपका वक्त बहुत करीब है। आप पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को कभी नहीं कंट्रोल कर सकते, आप में वो सलाहियत है। आप बॉर्डर पे सरहदों की हिफाजत करें, बस ये आपकी ड्यूटी है। यही हलफ आपने, यही ओथ आपने लिया है। आप कौम से गद्दारी ना करें, गद्दारी का अंजाम बहुत बुरा है। गद्दारी की हद तो आप पे लग चुकी है, क्योंकि आपने आइन से इन्हराफ किया, आपने अपने हलफ अपने ओथ से इन्हराफ किया। जो आपने हलफ उठाया था कौम की हिफाजत का, उससे आपने रूगर्दानी की। बाजवा कंजर का बोया हुआ बीज कभी परवान नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो आवाम दुश्मन था। तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी 100% बहुत जल्द फेल होगी। तुमने ये जो जुल्म की दास्तानें रकम की हैं, इसका तुम्हें हिसाब देना होगा। कायदे आजम से किसी ने पूछा कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आवाम के लिए, क्यों इतना जलील हो रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जब अपने खुदा के आगे हाजिर होऊंगा तो खुदा मुझे ये कहे कि वेल डन मिस्टर जना, और तुम्हें खुदा क्या कहेगा? वेल डन मिस्टर मुनीर आसम मुनीर, क्या खुदा तुम्हें ये कहेगा कि तुमने माओ बहनों की इज्जतों को पामाल किया, तुमने गरीबों का खून चूसा? लानत हो इस जिंदगी पे जो चंद दिन की अय्याशी के लिए अवाम पर जुल्म की इंतहा करे। जो अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को और करप्ट पॉलिटिशियन को और करप्ट एस्टेब्लिशमेंट और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को अल्लाह तबाह बर्बाद करेगा इंशाल्लाह, और उनकी औलादों को भी तबाह बर्बाद करेगा। हमारी दुआ है, मेरी आवाम से अपील है, दुआ इनके लिए करें और आमीन भी कहें। आमीन। We will meet you soon if you ask for it.